ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, बिल्कुल इजी। इसके बाद का हमारा लेटर है कर्सिव एस। कौन सा लेटर है? एस। तो एस लिखने के लिए हम थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक वन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, देन नेक्स्ट थोड़ा टर्न लेना है, और टर्न लेके जैसे आर्मी टर्न लिया था वैसे ही टर्न लेके थोड़ा यहाँ तक आना है। इसके बाद जैसे हम एस बनाते हैं ना, वो एस बनाना है, और वो एस बना के वो ही लाइन पे वापस आके ऐसे। तो ये बन गया हमारा कर्सिव एस। वन स्लैंटिंग लाइन करनी है फिर थोड़ा टर्न लेके, जैसे हम स्मॉल एस बनाते थे टू लाइन में वैसे स्मॉल एस बना के वापस वो ही लाइन पे आ जाना। तो ये बन जाएगा हमारा कर्सिव एस। हाथ उठाए बिना मस्त एस बनाओगे। ये बन गया हमारा कर्सिव एस। इसके बाद का हमारा लेटर है बाकी रो जो एक्स। ये कौन सा लेटर है बेटा? एक्स। अब हम लोग एक्स लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन। हम लोग वन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ऐसे थोड़ा कर्व करेंगे, जो सी बनाते हैं उसके ऑपोजिट साइड हम कर्व करेंगे। ये स्लैंटिंग लाइन लेके कर्व किया, फिर ये कर्व किया था ना उसके ही ऊपर वापस यहाँ तक आएंगे, ऐसे उल्टा यहाँ ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आएंगे उल्टा सीधे, फिर थोड़ा ऊपर जाके कर्व करेंगे। तो ऐसे ऐसे किया था वापस वही लाइन पे, ऐसे नीचे थोड़ा और कर्व करके स्लैंटिंग लाइन बना देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा जेड। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ऊपर जाएंगे ऐसे। और आप जेड लिखो तो आपके दोनों जो आप दो कर्व कर रहे हो वो कर्व यहाँ पे टच होने चाहिए। फिर आप लोग ऐसे लिखोगे ऐसे, तो ये पैटर्न ऐसे बनेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग है। जब भी आप लिख रहे हो तो ऐसे करके ऐसे टच होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे मतलब थोड़ी पीछे जगह रहेगी, ऐसे जगह रखोगे तो ये पैटर्न रॉन्ग है, मतलब कि ये एक्स हमारा रॉन्ग होगा। इसे हम यहाँ एक बार लिखेंगे, ये बना हमारा एक्स। इसके बाद का लेटर बाकी था हमारा जेड। कौन सा लेटर बाकी था बेटा? जेड। मैं आप लोगों को जेड सिखाऊंगी। जेड के लिए हम थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक वन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद उल्टा सी करते हैं ऐसे हाफ कर्व, एक मतलब सॉरी कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद सेकंड कर्व थर्ड लाइन तक ले जाए, फोर्थ लाइन तक ले जाएंगे, फोर्थ हमारी हेड लाइन है वहां पे। इसे करके थोड़ा टर्न लेंगे, स्लैंटिंग लाइन कर देंगे। स्लैंटिंग लाइन हमको जो दोनों ब्लू लाइन है उसके बीच तक ले जा रहे। तो ये बन जाएगा हमारा जेड। ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये बन जाएगा हमारा जेड। कौन सा लेटर बन गया? जेड। फर्स्ट मैंने आर सिखाया, सेकंड एस सिखाया, थर्ड एक्स सिखाया, एंड फोर्थ कौन सा लेटर सिखाया? जेड। इसे एक बार यहाँ पे सिखाती हूँ सारे लेटर्स। मैंने फर्स्ट आर सिखाया, स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके थोड़ा कर्व करके ऐसे किया और फिर नीचे ऐसे कर्व किया, तो ये बना हमारा आर। इसे हम आर करेंगे। नेक्स्ट मैंने सिखाया था एस, इसके लिए हम स्लैंटिंग लाइन ले गई थी, थोड़ा टर्न लेके ऐसे एस बनाया था और वापस वही लाइन पे आई थी ऐसे। ये बन गया हमारा फर्सी एस। बना हमारा कर्सिव एस। इसके बाद का मेरा लेटर था एक्स। तो कर्सिव एक्स भी मैंने थोड़ा स्लैंटिंग लाइन यहाँ से करी थी, फिर टर्न लिया, कर्व किया, फिर ऐसे करके थोड़ा टर्न लेके दूसरा कर्व करके स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करी, वो बन गया मेरा कर्सिव एक्स। ये बना मेरा कर्सिव एक्स। एंड लास्ट लेटर मैंने सिखाया था कर्सिव जेड। इसके लिए वन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके वन कर्व सेकंड कर्व एंड थोड़ा टर्न लेके स्लैंटिंग लाइन, तो ये बना हमारा कर्सिव जेड।
अपनी नोटबुक में फोर